हेलो दोस्तों, वट वृक्ष चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा है कि देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जैसा एनालॉग कंप्यूटर हैंडल अ प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑफ अ फिजिकल नेचर, फॉर इंस्टेंस टेम्परेचर प्रेशर एक्सेट्रा, जो वेव्स में हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन मेजरिंग ऑफ एनालॉग और इक्विवेलेंट फिजिकल वैल्यू। डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन विच इज इंस्टेंटली इन अ बाइनरी और टू स्टेट फॉर्म, नेमली 0 and 1। इन कंप्यूटिंग टर्म वी मोस्टली रेफर टू द डिजिटल टाइप ऑफ कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर फॉल इनटू डिफरेंट रेंज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फॉर्म कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, विच कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड वेरी लार्ज। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था, आज हम इसके आगे जानेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं, मेन फॉर्म कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर किन्हें कहते हैं। तो आइए देखते हैं डिफरेंट रेंज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ये जो जितने टाइप्स हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल जो मोबाइल वोबाइल होते हैं, ये सब माइक्रो कंप्यूटर हैं। द माइक्रो कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर्स। These computers are the cheapest among the other three type of computers. The micro computers are specially designed for general uses like entertainment, education and work purpose. Well-known manufacturers of microcomputer are Dell, Apple, Samsung, Sony and Toshiba. डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल, साउंड एंड नेविगेशन सिस्टम ऑफ कार, नेटबुक्स, नोटबुक, पीडीएस, टैबलेट्स, पीसी, स्मार्टफोन्स, कैलकुलेशन आर ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेस एंड फर्म। मिनी कंप्यूटर्स आर कॉल्ड अ मिड रेंज कंप्यूटर। These are small machine and can be accommodate on disk with not as processing and data storage capabilities as supercomputer and mainframe. These computers are not designed for a single user. ये जो कंप्यूटर है सिंगल यूजर के लिए डिज़ाइन नहीं करे जाते हैं, और ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो मेन फॉर्म और सुपर कंप्यूटर से कम होती है। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट ऑफ अ लार्ज कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन यूज मिनी कंप्यूटर्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जांपल, अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन यूज मिनी कंप्यूटर्स फॉर मॉनिटरिंग सर्टन प्रोडक्शन प्रोसेस। पॉपुलर मिनी कंप्यूटर्स के 2220, टेक्सा इंस्ट्रूमेंट आई टी 990, एस डी एस 92, आई बी एम मिड रेंज कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे मेन फॉर्म कंप्यूटर। मेन फॉर्म कंप्यूटर, ऑल द मेन फॉर्म्स आर नॉट एज पावरफुल और एज सुपर कंप्यूटर, बट सर्टेनली दे आर इक्विट एक्सपेंसिव नन द लेस, and many large firm and government organization use mainframes to run their business operation. The mainframe computers can be accommodated in large air-conditioned room because of its size. Supercomputers are the fastest computer with large data storage capacity. Mainframe can also process and store large amount of data. Banks, educational institute and insurance companies use mainframe computers to store data about their customer, students and insurance policy holders. Popular mainframe computers.
Fujitsu, ICL, VME, Hitachi, Z800, ये मेन फोन कंप्यूटर है। देखिए अब हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस एंड डाटा प्रोसेसिंग आर द सुपर कंप्यूटर्स। दीज आर स्पेशलाइज्ड एंड टास्क स्पेसिफिक कंप्यूटर्स यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन पर्पस। लाइक नासा यूज सुपर कंप्यूटर्स फॉर लॉन्चिंग स्पेस सैटेलाइट्स, कंट्रोलिंग देम and for space exploration purpose. The supercomputers are very expensive and very large in size. It can be accommodate in large air conditioned room. Some supercomputers can span an entire building. Kuch supercomputers aise hain jo puri building ke barabar hote hain. तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्द ही अगले टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।